हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशेष क्यूजिन। जैसे कि आप सब जानते हैं, त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो आज मैं जो स्वीट बनाने जा रही हूँ वो रक्षाबंधन स्पेशल है। और इसे बनाना इतना सिंपल है कि इसे हर कोई आसानी से बना सकता है, और ये बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाती है, और ये खाने में उतनी ही डिलीशियस है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1/4 कप घी। मैं सारी मेजरमेंट एक ही कप से बता रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप एक कटोरी या सिंपल चाय का कप सेट कर लें और उसी से सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर करके लें। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क और 2 कप मिल्क पाउडर। ग्राम्स में देखा जाए तो ये 200 ग्राम्स है। ध्यान रहे कि हमें मिल्क पाउडर ही यूज़ करना है, डेरी वाइटनर का यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ पतंजलि का मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्पैचुला से दबाते हुए सारे लम्प्स को ख़त्म कर लेंगे। अभी तक मैंने कढ़ाई को गैस पर नहीं रखा है, ये सारी मिक्सिंग अच्छे से हो जाने पर ही हम इसे गैस पर रखेंगे। तो ये देखिए, सारी मिक्सिंग अच्छे से हो गई है और अब इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। अब इसे हम लो फ्लेम पर गैस पर रख देंगे और थोड़ी देर तक पकाएंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 कप पीसी हुई शुगर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। शुगर मेल्ट होने के बाद अभी मिक्सचर थोड़ा लूज हो गया है। अब इसे थोड़ा ड्राई होने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद ये मिक्सचर अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। आप इसके जगह पे केवड़ा एसेंस या रोज़ एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से बादाम और पिस्ता के टुकड़े, जो इस बर्फ़ी का लुक और टेस्ट दोनों को एनहेंस करेगा। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे चेक करने के लिए हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेकर उसकी गोली बनाकर देखेंगे। इसकी गोली तो बन रही है, पर ये काफ़ी ड्राई लग रहा है, जिससे बर्फ़ी सेट होने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने इसमें 1/2 कप दूध और डाला है, यानी टोटल हमें इसमें 1 कप दूध लगा है, जिससे इसका स्मूथ डो बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही स्मूथ डो जैसी कंसिस्टेंसी हमें बर्फ़ी सेट करने के लिए चाहिए। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। और इसे पकाने के लिए मुझे हार्डली 5 से 7 मिनट ही लगे हैं। जब तक मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक उसे सेट करने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक थाली पर बटर पेपर रख के उसे घी से ग्रीस कर लेंगे। अब मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसे बटर पेपर पर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे स्पैचुला की हेल्प से फैलाते हुए प्लेन कर लेंगे। तो मैंने इसे स्क्वायर शेप दे दिया है और इसे रिच लुक देने के लिए मैं इस पर लगा रही हूँ सिल्वर वर्क। आप चाहें तो इसके बिना भी ये मिठाई बना सकते हैं, ये खाने में इसके बिना भी टेस्टी लगेगी। अब हम इसे बर्फी के शेप में कट कर लेंगे। तो मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसे और भी अच्छा लुक देने के लिए मैं इसे पिस्ता और बादाम से गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए, गार्निशिंग के बाद लग रही है ना बॉक्स वाली मिठाई जो मार्केट में मिलती है। मैं एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके थिकनेस, इसका टेक्सचर बिल्कुल ही परफेक्ट बनी है और ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि खाते ही मुंह में घुल जाएगी। तो इस रक्षाबंधन पर आप भी अपने भाइयों को ये स्पेशल मिठाई बनाकर खिलाएं या गिफ्ट करें, जो इतने इजीली, इतने कम टाइम में बन जाती है और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो लीजिए, तैयार है हमारी मिल्क पाउडर बर्फी, जो
जो कि बहुत ही कम समय में बनके तैयार है। तो आप भी इस रक्षाबंधन पे इसे ट्राई जरूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसे अप्रिशिएट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।